यस गुड मॉर्निंग ऑल आई एम ऑडिबल सबको आवाज आ रही है यस गाइज गुड मॉर्निंग एवरी वन मेरी क्रिसमस टू ऑल कैसे हो सब लोग बाय द वे आई एम ऑडिबल सबको आवाज आ रही है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सबको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है okay. यस सो स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन को आज स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस के को एंड वी आर गोइंग टू टॉक द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स एंड चलो क्रिसमस uh, है आज नो डाउट अबाउट दैट तो सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं uh, जो भी कल रात में सेंटा बन के घूम रहे होंगे सेंटा को ढूंढ रहे होंगे उन सबको उठा दीजिए उन सबको बुला लीजिए कि भैया गिफ्ट की पोटली हमारे पास है और जिसको हम करंट अफेयर्स की न्यूज कहते हैं उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है ठीक है क्रिसमस के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो आज गुड गवर्नेंस डे है आप देख सकते हो हमारे पीछे अटल जी का फोटो है सो अटल जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग मनाते हैं तो गुड गवर्नेंस डे इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नो डाउट अबाउट दैट तो यस दोस्तों जैसे हमारे सेशन में हम लोग आजकल एक न, आ, नया पार्ट स्टार्ट किया कि पहले हम लोग सारी न्यूज कवर करेंगे एंड में हम लोग न्यूज पेपर में जो इंपॉर्टेंट मेंशन की गई न्यूज है एग्जाम के लिए उसके ऊपर बात करेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे तो यस स्टार्ट करते सेशन को <coughs> यस गाइज सबसे पहले जिन्होंने अभी तक ये चैनल फॉलो नहीं किया होगा तो जल्दी से इसको फॉलो कर दीजिएगा नोट डाउनलोड करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अलावा गई हमारा टेस्ट बुक पास एक बड़ा बेहतरीन सा कंसेप्ट है जहां पे मॉक टेस्ट आपको बहुत मदद करेगी काफी सारे स्टूडेंट से मोर देन लाइक थर्टीन लैक्स स्टूडेंट से जो मॉक टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू जाते हैं और सिलेक्शन में काफी मदद मिलती है काफी बार ऐसा भी होता है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो एक या दो मार्क्स से एग्जाम रह रही थी वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है तो इससे आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा और इसको एनरोल करने के लिए ये कोड जरूर यूज कीजिएगा टीम पास नाम का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को और सबसे पहली न्यूज यस तो गुड गवर्नेंस डे की हम लोग बात कर रहे थे गुड गवर्नेंस डे आज है और गुड गवर्नेंस वीक भी इस बार हमने सेलिब्रेट करने की बात की थी तो 20 दिसंबर से हमने गुड गवर्नेंस वीक भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है और आज गुड गवर्नेंस डे है ध्यान रखिएगा वाजपेयी साहब के बर्थडे की बात करते नाइनटीन ट्वेंटी में ग्वालियर में इनका बर्थ हुआ था और इनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है यह बात भी सबको अच्छे से पता है नो डाउट अबाउट दैट ठीक है अब एक है एक पॉइंट आएगा कि ये डे हम लोग कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं 2014 से इस डे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट करने की ठानी है और तब से इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दूसरा पॉइंट हमने बात की थी गुड गवर्नेंस वीक की गुड गवर्नेंस वीक ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और हमने थीम रखा है इस बार के गुड गवर्नेंस डे का एज वेल एज वीक का और वो है प्रशासन गांव की ओर प्रशासन गांव की ओर ये थीम हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था आपको अच्छे से याद होगा तो उस थीम के तरफ भी ध्यान रखिएगा प्रशासन गांव की ओर ये थीम रखा गया है इस बार के गुड गवर्नेंस डे एज वेल एज गुड गवर्नेंस वीक का के चलो थोड़ी सी अटल जी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वैसे इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है पूरे दुनिया को पता है अटल जी का अचीवमेंट क्या है 2018 में इनका देहांत हुआ था के भारत रत्न अवार्ड से 2015 में इनको नवाजा गया पद्म विभूषण आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर यह भी इनको 2015 में दिया गया था सो so, काफी बेहतरीन अवार्ड से इनको नवाजा गया है पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट वन ऑफ द माइल स्टोन अचूट हिम कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय एक बहुत बड़ा माइल स्टोन है के। तो इसके तरफ भी ध्यान रखेगा इसके अलावा बात की जाएगी तो दिल्ली का जो मेट्रो है के दिल्ली में जो मेट्रो जरा बड़ा सक्सेसफुल है उसमें भी काफी अच्छा रोल इनका रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट किए थे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनसंघ रह चुके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया करके भी ये काम कर चुके और पहले इंडियन जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दिया था हिंदी में भाषण दिया था और देश का नाम रोशन किया था 1977 में याद रखिएगा तो ये कुछ अचीवमेंट्स है अटल जी के जो भी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पता होना बहुत जरूरी है ठीक है चलो कुछ और अचीवमेंट्स की एक लिस्ट यहां पे डाल के रखिए राइट टू एजुकेशन भी इनके टाइम पे आया था चंद्रयान वन के प्रोजेक्ट को भी इन्होंने पास करवाया था एक्टिस्ट पॉलिसी जो हम लोग कहते हैं ना एक्टिस्ट पॉलिसी जिसको मोदी गवर्नमेंट काफी बेहतरीन तरीके से फॉलो करती इसकी शुरुआत लुकिस्ट नाम से इन्होंने करवाई थी मनमोहन सिंह साहब आगे लेके गए थे और मोदी साहब ने उसको एक्टिस्ट के नाम पे काफी अच्छे से प्रमोट किया हुआ है कि कारगिल वॉर की जैसे मैंने बात की पोखरण टेस्ट है इसके अलावा टेलीकॉम पॉलिसी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में आई ये पॉलिसी भी इन्होंने इंप्लीमेंट की थी और दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट में भी शीला दीक्षित जी के साथ इनका बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा योगदान रहा था इनकी गवर्नमेंट का याद रखिएगा सो ये सारे अचीवमेंट्स हैं आ, इस महान लीडर के अक्रॉस द पार्टीज अक्रॉस द पार्टीज चाहे बीजेपी ऑब्वियसली बीजेपी से बिलोंग करते थे पर जितनी भी पार्टीज है सारे पार्टीज में एक बड़ा बेहतरीन सा रुतबा इन्होंने मेंटेन किया था एंड दैट्स वाय सबके चहित है सो so, बस उन्हीं को यहाँ पे वंदन करते और सेशन की शुरुआत करेंगे अब जैसे मैंने कहा था गुड गवर्नेंस वीक 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवनसेस नाम का डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो है के इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली इस डिपार्टमेंट के मेन मिनिस्टर है और इसी डिपार्टमेंट के अंदर इस वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है गुड गवर्नेंस वीक सुशासन सप्ताह के नाम पे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रशासन गांव की ओर याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं चलो इनके अलावा एक और आ, महान व्यक्ति है जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, है और वो है मदन मोहन मालवीय साहब इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया 2014 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस पॉलिटिशियन एजुकेशनलिस्ट और एक रिफॉर्मिस्ट की हम लोग बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है 1916 में 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव इन्होंने रखी थी Okay. So, महामाना इस नाम से बड़े फेमस है महामाना इस नाम से बड़े फेमस है इसके अलावा ये बहुत ही बेहतरीन राइटर भी थे मकरंद मकरंद नाम से इन्होंने बचपन में ही पोयम्स लिखना शुरू किया था तो 25 दिसंबर में शायद कुछ अलग ही खासियत है अटल जी भी बड़ी अच्छी कविताएं लिखते थे और मदन मोहन मालवीय भी मकरंद नाम से बड़ी अच्छी कविताएं लिखते थे तो ये इनका राइटिंग नेम था मकरंद और महामाना इनको सब लोग कहते थे एक रिस्पेक्ट के साथ जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी याद रखेगा चलो सत्य में वह जयते ये जो टर्म है ये टर्म फेमस करने वाले या ये टर्म इस देश को देने वाले पर्सन मदन मोहन मालवीय क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है 2014 में इनको आ, आ, ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है बस ध्यान रखिएगा इन्होंने कुछ न्यूज की भी शुरुआत की थी जैसे फॉर एग्जाम्पल यस अभ्य सॉरी मर्यादा मर्यादा नाम का एक न्यूज़पेपर है मंथली आता था 1909 में सॉरी 1915 में 1915 में मर्यादा नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था देन अभ्युदय अभ्युदय नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसको 1909 में शुरुआत किया गया था अभ्युदय मर्यादा अभ्युदय और लीडर नाम का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसकी भी शुरुआत 1909 में इन्होंने की थी तो लीडर इंग्लिश न्यूज़पेपर मर्यादा मंथली आता था और एक अभ्युदय नाम का है जिसको वीकली लाया करते थे तो ये तीनों न्यूज़पेपर्स की शुरुआत भी इन्होंने की थी तो मैंने कहा था काफी बेहतरीन से राइटर थे हिंदुस्तान टाइम्स सबको पता है हिंदुस्तान टाइम्स के ये चेयरपर्सन रह चुके 1924 से लेके 1946 तक उनके देहांत तक ये हिंदुस्तान टाइम के चेयरमैन रह चुके थे तो न्यूज़पेपर वर्ल्ड से भी काफी घना संबंध इनका रहा है काफी डीप रिलेशन इनका रहा है तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं ठीक है थीके? इन्हीं के नाम पे महामना के नाम पे दिल्ली वाराणसी एक ट्रेन शुरू की गई है ये भी आपको पता होगा महामना एक्सप्रेस नाम से बड़ी फेमस ट्रेन है दिल्ली टू वाराणसी मोदी साहब ने इस ट्रेन की शुरुआत की थी सो ये एक एड ऑन पॉइंट आपके लिए और 1916 में इन्होंने शुरुआत की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो सबको पता है ठीक है सो ये दो बड़े लीडर्स और ये दो बड़े लीडर्स की इंफॉर्मेशन होना हमारे पास बहुत जरूरत है कि स्पेशली अगर मदन मोहन मालवीय साहब की बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हिस्ट्री के एंगल में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा ठीक है चलो दोस्तों तो आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं हमारे आज के न्यूज को इंपॉर्टेंट डे देख लिया इंपॉर्टेंट वीक की बात कर ली और दो महान व्यक्तियों के कार्यकाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की हमने कोशिश की है स्टार्ट करते सेशन को आ, ओके चलो क्या बात है हमारे पास हमारे लेक्चर के अंदर भी काफी अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आ, या दोस्त हैं हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बेहतरीन बहुत बढ़िया चलो स्टार्ट करें अभी बात करते यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट टेन मिलियन टू सपोर्ट यूएन फूड एजेंसी एफर्ट्स ऑन कोविड नाइनटीन के ना एओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे यूएन की एजेंसी है इटली में इसका हेडक्वार्टर है एफ ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो यूएस ने यह कहा है कि ये लोग एफ को 10 मिलियन का सपोर्ट करने वाले इंडिया यहां पे इन्वॉल्व नहीं है यहां पे फिलहाल इस न्यूज में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिंपल सा न्यूज है एफ इटली में जिसका हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूएसए दस मिलियन का फंड प्रोवाइड कर रही है. क्यू? से बहुत बार हंगर का प्रॉब्लम और बढ़ रहा है तो ऐसे टाइम पे एफ कुछ प्रोविजन इंप्लीमेंट करती है कुछ योजनाएं इंप्लीमेंट करती है उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए यूएसए अपनी जेब से 10 मिलियन एफ को प्रोवाइड करने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सर कल अगर सपोज हमने एफ से कुछ फंड लिया कुछ पैसा लिया इंडिया में आ, हंगर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो यूएस का भी इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन उसके अंदर रहेगा ध्यान रखिएगा देखिए कोविड नाइनटीन रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम वन हेल्थ प्रोग्राम के वन हेल्थ प्रोग्राम ये पूरे वर्ल्ड में लगता है उसी वन हेल्थ प्रोग्राम के लिए रिस्पांस एंड रिकवरी प्रोग्राम एफएओ इंप्लीमेंट करती है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रोग्राम है जो एफएओ इंप्लीमेंट करती है कोविड नाइनटीन के लिए तो नाम है रिस्पांस एंड रिकवरी प्रोग्राम के जो वन हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आता है और इसी के लिए पैसा रिपीट करता हूं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूके जापान जैसी लगभग सारी कंट्रीज वन हेल्थ प्रोग्राम में आती है उसी वन हेल्थ प्रोग्राम में एफ अपना एक अलग से प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम इस रिस्पांस रिकवरी प्रोग्राम के लिए दस मिलियन का फंड यूएसए प्रोवाइड कर रही है so, आपको यहाँ पे? अब किसी एनिमल से किसी एनिमल के वजह से अगर कोई डिजीज ह्यूमन में फैलता है तो उसे डिजीज़ कहा जाएगा बर्ड तो तरीके से स्टार्ट हुआ उसी तरीके से स्प्रेड हुआ और इसीलिए इसको भी जूनोटिक डिजीज कहा जाएगा तो वर्ल्ड में केवल कोविड नाइनटीन नहीं फ्यूचर में अगर कोई भी जूनोटिक डिजीज आता है तो वन हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके पर्पज हेल्थ so, प्रोग्राम केवल कोविड नाइनटीन के लिए नहीं है किसी भी जूनोटिक डिजीज के लिए रहेगा और उसके अंदर कोविड नाइनटीन को रिस्पॉन्ड और रिकवर करने के लिए एफ का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ठीक है so, सो याद रखिए The the funding aims at the progressive management of emerging and and endemic zoonotic and high impact animal plant pest disease, including those with epidemic and pandemic potential. कोई भी zoonotic होगा देखिए हमें लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं की, आ, hundreds of zoonotic डिजीज की भैया था सॉरी हंड्रेड ऑफ जोनोटिक डिजीज होते हैं पूरे वर्ल्ड में हंड्रेड ऑफ है कुछ एंडेमिक बनते हैं कुछ नहीं बनते कोविड जैसे पैंडेमिक बन जाते हैं पैंडेमिक इज ग्लोबल लेवल एंडेमिक सर्टन एरिया तक के तो एंडेमिक हो पैंडेमिक हो या नहीं भी हो हर जूनोटिक डिजीज से फाइट करने के लिए वन हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है है ठीक सो so, मेरे ख्याल से यहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी न्यूज आपको समझ में आ गई होगी के एक और चीज रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था एफ का वो 2020 में लॉन्च किया गया और इसी प्रोग्राम के लिए ये 10 मिलियन का फंड है यूएस ने यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है क्लियर गाइज मेरे ख्याल से न्यूज uh, आपके लिए क्लियर हो गई होगी इटली में इसका हेडक्वार्टर है 1945 में इसको क्रिएट किया गया था इसी एफ के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी काम करता है याद है आपको डब्ल्यू की हमने बात की थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको नोबेल प्राइज भी लास्ट टाइम मिला हुआ है तो इसका भी हेडक्वार्टर बट ऑब्वियस रोम इटली के अंदर है बिकॉज एफएओ के साथ ही ये काम करती है और एफएओ एओ हेडक्वार्टर इज इन रोम इटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नोबेल प्राइज मिला हुआ है पीस नोबेल है 2020 का अब सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए रिसेंटली आपको याद होगा हमने एक न्यूज कवर की थी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और नीति आयोग का टाइप हुआ है इंडिया में न्यूट्रिशनल बास्केट फूड बास्केट इस कंसेप्ट को लेके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और नीति आयोग का टाइप हुआ अभी बस कुछ दिनों पहले ये न्यूज हमने कवर की थी ठीक है एग्जाम में पूछ सकते हैं सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड नीति आयोग दूसरा एफ एओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस प्लस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट याद है आपको एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी यहां पे इन तीनों का भी एग्रीमेंट हुआ था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के के लिए के लिए लॉन्ग टर्म तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इनका भी एग्रीमेंट कुछ दिनों पहले हमने कवर किया था हमने डिस्कस किया था आपको अच्छे से याद होगा तो एफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आईसीआर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड नीति आयोग इनके एग्रीमेंट है है एक और है, एक और एग्रीमेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम राजस्थान गवर्नमेंट इनका भी टाइप हुआ है और टाइप हुआ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानें करने के लिए गवर्नमेंट को, को मदद कर रही है सो so, ये तीनों के तरफ ध्यान रखिए करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं तो यह सारी चीजें मेरे ख्याल से आपके सामने आ गई होगी ठीक है yes, uh, क्लियर <coughs> ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर जाते हैं यहां पे कोई क्वेश्चंस यहां पे कोई क्वेरी यहां पे कोई डाउट कुछ भी अगर आपको पूछना होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा ओके okay? चलो सो ये न्यूज हमने कवर कर ली चलो एक और इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट वाली न्यूज है बड़ी प्राउड मूवमेंट वाली न्यूज है हमारे देश के लिए यूएस एक कंसल्टिंग फर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक रैंकिंग देती है है तो उसका नाम एनर्जी इंटेलिजेंस एनर्जी इंटेलिजेंस नाम की एक फर्म है जो यूएस है कंसल्टिंग फर्म है वो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन अच्छा काम कर रहा है कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है इसका डेटा हमें देती है के राजस्थान वाला न्यूज ये था कि दोस्त राजस्थान गवर्नमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन दोनों के टाइप हुए पीडीएस सिस्टम होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे राशन की दुकान या फूड uh, का सप्लाई पे होता है उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मदद कर रही है इतना ही न्यूज था ठीक है चलो अब आते है पे तो yeah. जो एनर्जी इंटेलिजेंस है इट इज फ्रॉम यूएस यूएस बेस्ट एजेंसी है इन्होंने सबसे बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने वाले हंड्रेड कंपनीज की एक लिस्ट दी है टॉप हंड्रेड ग्रीन यूटिलिटीज टॉप हंड्रेड ग्रीन यूटिलिटीज ऐसा एक रैंकिंग है इनका के और रैंकिंग यूएस के तरफ से आया हुआ है एनर्जी इंटेलिजेंस की तरफ से और इंडिया की एक कंपनी को पे अच्छा क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली टॉप हंड्रेड ग्रीन यूटिलिटीज का एक रैंकिंग आया उसमें कौन सी इंडियन कंपनी है जिसका वर्ल्ड लेवल पे रैंक थर्ड है क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड लेवल पर रैंक किसका थर्ड है अब जब रिन्यूएबल की बात करते तो हमारे सामने अदानी टाटा पावर एन भी आजकल काम कर रही है इनके नाम हमारे आंखों के सामने आते हैं देखिए इनके प्रोजेक्ट्स बन रहे अभी तक पूरी तरीके से बने नहीं है इनके प्रोजेक्ट्स बन रहे जिनके पूरी तरीके से बन चुके वो टॉप लेवल पे आएंगे और ग्रीनको नाम की कंपनी है और ये कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है 2006 में इस कंपनी को क्रिएट किया गया था हैदराबाद के अंदर कि हैदराबाद में इनका ऑफिस है सो ग्रीनको ग्रुप को यहां पे एंट्री मिली हुई है और ये थर्ड नंबर पे आते हैं देखिए फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ब्रेक इनटू टॉप टेन पहली इंडियन कंपनी टॉप टेन में ब्रिक ब्रेक, ब्रेक करी गी, गीगा वैट क्लीन uh, एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी ये लोग क्रिएट करते हैं हैदराबाद बेस्ड कंपनी ध्यान रखना ओम प्रकाश भट्ट ओम प्रकाश भट्ट साहब है जो इसके चेयरमैन इस है इस ग्रीन को कंपनी के हैदराबाद बेस्ड कंपनी है सो इसको एंट्री मिली हुई है हड़बड़ाहट में गड़बड़ में ओवर कॉन्फिडेंस में अदानी टाटा अंबानी या किसी और का नाम मत लिख के आइएगा हो जाता है ये गलतियां होती है ग्रीनको ग्रुप है जिसका नाम यहां पे सबसे टॉप में आया हुआ है टाटा पावर इनका भी नंबर है पर इनके नंबर ट्वेंटी फिफ्थ थर्टी थर्ड एंड सेवेंटी एट इनके नंबर आते हैं तो टॉप हंड्रेड में इंडिया की चार कंपनियां आ रही है उसमें से थर्ड नंबर पर ग्रीनको है प्राइवेट कंपनी के एनपीसीआईएल है एंड टाटा पावर है ये और तीन कंपनियां टॉप हंड्रेड में इंडिया के तरफ से आती है जो न्यूक्लियर में काफी बेहतरीन वर्क कर रही है ठीक है यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 500 आ, 500 मेगावाट कहेंगे या गीगावाट कहेंगे <coughs> के यस yes? नहीं नहीं भाई ओनली बैंकिंग नहीं के ओनली बैंकिंग की बात नहीं करेंगे करंट अफेयर्स हमारा सबके लिए होता है भाई ओपन दरबार है खुला दरबार है के जैसे भगवान के द्वार में किसी को पाबंदी नहीं होती वैसे हमारे करंट अफेयर्स में भी किसी को पाबंदी नहीं है जिसको पढ़ना है आ जाइए हम बस डिटेल में पढ़ाते कुछ लोगों को डिटेल में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता पर हम डिटेल में पढ़ाते वही एक हमारी खामी है बाकी तो हम सबके लिए पढ़ाते ठीक है ट uh, yes, हैीगाट तो ये तो ये uh, कर रहे पांच सौ गीगा वैट इलेक्ट्रिस दो हजार तीस तक हमें क्रिएट करनी है तो जो हमारे दोस्त है जिनसे थोड़ा सा शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी बस एग्जाम में मत करना ठीक है चलेगा चलो इंडिया एंड द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड अ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रेंच लोन ऑफ यूरो 250 मिलियन फॉर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चलो एक और मेट्रो की बात हो रही है लास्ट टाइम हमने एक न्यूज़ कवर की थी इसी मंथ में कि भाई सूरत की मेट्रो के लिए जर्मनी के डेवलपमेंटल बैंक से लोन मिल रहा है।, है ना आपको याद है हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज कवर की थी कि जर्मनी के डेवलपमेंट बैंक से सूरत मेट्रो के लिए हमें कुछ पैसा मिल रहा है और वो पैसा था 442.60 मिलियन याद होगा आपको दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर सूरत मेट्रो अब पे आगरा के मेट्रो की बात हो रही है और यहां से 250 मिलियन यूरोज तो आ रहे ठीक है तो गड़बड़ मत कीजिए डेवलपमेंटल बैंक ऑफ जर्मनी प्रोवाइडिंग फंड फॉर सूरत मेट्रो बाय द वे वो नागपुर मेट्रो के लिए भी फंड प्रोवाइड करते 2015 से

250 ये अभी प्रोवाइड किए जा रहे पहला ट्रेंच तो टोटल 450 उसमें से 250 ये अभी प्रोवाइड किए जाएंगे यहां के डेवलपमेंट के एंगल में ठीक है चलो यस सो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 1958 फिफ्टी लग्जमबर्ग में हेडक्वार्टर है बस वो एक पॉइंट वहां पे याद रखेगा चलो यार एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूं देखिए वार्नर हॉयर यहां पे है एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं बस मुझे उसका आंसर कर दीजिएगा कि रिसेंटली जो हमारा जर्मनी की डेवलपमेंटल बैंक की बात कर रहा था उस जर्मनी के डेवलपमेंट बैंक ने एक और एग्रीमेंट साइन किया बस एक या दो दिन पहले हमने करंट अफेयर्स के न्यूज में उसके ऊपर बात की थी कि एक और एग्रीमेंट है बाय जर्मनीज डेवलपमेंटल बैंक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के एंगल में तो किसके साथ वो एग्रीमेंट साइन किया मुझे उस इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए मैंने आपको हिंट दे दी इलेक्ट्रिसिटी के एंगल में तो जल्दी से नाम बता दीजिएगा यस एनीवन यस yes, KfW की बात करेंगे एब्सोल्युटली KfW की ही बात हो रही है जो जर्मनी का डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन है डेवलपमेंटल बैंक है के रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी KfW का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यस yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एब्सोल्युटली आरईसी की बात करेंगे REC के REC का फुल फॉर्म चलो फुल फॉर्म बता दीजिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड काजल जी ने फुल फॉर्म बता दिया बहुत बढ़िया काजल जी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है इसके साथ KFW का टाइप हुआ है एंड द फंड विल बी प्रोवाइडेड टोटल वन सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन ये है साइन हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर द रूरल एरिया तो देखिए सूरत मेट्रो के इनका एग्रीमेंट है देन आर का एक आर का एग्रीमेंट है जर्मनी सो जर्मनी का सूरत मेट्रो और आरईसी के लिए एग्रीमेंट है के सूरत मेट्रो के लिए दे आर प्रोवाइडिंग फोर फोर सिक्स पॉइंट फोर फोर टू पॉइंट सिक्स मिलियन एंड आरईसी को लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वन सिक्स नाइन पॉइंट फाइव मिलियन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक आगरा मेट्रो के लिए मदद कर रही है 450 मिलियन यूरो का टोटल फंडिंग है उसमें से 250 की बात अभी रिसेंटली की गई है दैट इज ओवर हियर ओके चलो एक 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 और point, एक और और पॉइंट 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 बस लास्ट लेता हूं बाद में आगे बढ़ता हूं ये जो के है या जिसको हम जर्मन डेवलपमेंटल बैंक भी कहते हैं इनका नीति आयोग के साथ भी टाइप हुआ है जो आपको बताऊगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन का जो रैंकिंग आया था वो अर्बन का रैंकिंग देने के लिए नीति आयोग को इन्होंने मदद की थी नीति आयोग को इन्होंने सपोर्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन शिमला जिसमें सबसे टॉप में आ रहा था याद है आपको हमने डिस्कस किया था शिमला जहां पे टॉप में आ रहा था वो रैंकिंग भी इन्हीं की मदद से दी गई थी ये एक पॉइंट आप याद रखिए चलो आगे बढ़ते आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा न्यूज कवर कर लेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूडेमी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इंडिया में स्किल एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है 2008 में क्रिएट किया गया था यूपीआई पेमेंट्स जो हमारे रूपे कार्ड्स है ये सब कुछ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है यूडेमी आपको बताऊंगा बड़ा फेमस कंसेप्ट है यूडेमी स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करते बड़े कोर्सेज प्रोवाइड करते इनके साथ इनका टाइप हुआ है ठीक है यस yes, uh, एक और देखिए नीति आयोग और uh, मैंने कहा था तभी नीति आयोग का सॉरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाइप है के सो वी टॉक अबाउट दैट ये तो हमने देख लिया इसके अलावा यस yes, ये एफ का आंध्र प्रदेश के साथ टाइप है सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट दैट इसके ऊपर भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी uh, ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया तो एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आपके इस नोट्स के अंदर रहेगी नोट्स से जरूर थ्रू कीजिएगा यार एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि नोट्स की डिमांड आप लोग बहुत करते हो पर आप पढ़ नहीं रहे हो नोट्स को पढ़िए प्लीज नोट से गो थ्रू कीजिए एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बड़ा आ, अच्छे एक आई एस ऑफिसर है बड़े फेमस ऑफिसर है जतिन यादव साहब शायद आपने उनका नाम सुना होगा आई एस ऑफिसर है मैंने उनका एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि वापस एक बार रिपीट करता हूँ सबके लिए उनका एक स्टेटमेंट था कि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो जब आप इतने बड़े के 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 लिए लिए प्रिपेयर करते हो सो नेवर गो फॉर द शॉर्टकट्स मत जाइए जो आपको पढ़ाने वाले जतिन यादव साहब भी खुद गाइड करते खुद आयस होने के बाद भी वो गाइड करते उनका कहना कि पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते रहेंगे वो केवल आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं मेहनत आप ही को करनी है आप ही को एफर्ट्स लेने हैं स्पून फीडिंग नहीं होगा तो नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए रीड कीजिए नहीं समझ में आता तो पूछिए हम आंसर करने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं जरूर पूछिएगा ठीक है ध्यान रखो आ, चलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द जर्मन डेवलपमेंट बैंक साइंड एग्रीमेंट ऑफ वन मिलियन यूरो रेड्यूस द इंटरेस्ट लोन एंड टू मिलियन यूरो ग्रांट फॉर एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश के जर्मन डेवलपमेंट बैंक जिसकी बात हम तब से करते आ रहे थे कि इसके लिए पैसा दे दिया वापस नहीं करना पड़ेगा सो दो मिलियन का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा 140 मिलियन का पैसा वापस करना पड़ेगा पर इंटरेस्ट थोड़ा कम किया जाएगा मध्य प्रदेश को पैसा दिया जा रहा है एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए एक पॉइंट याद आ रहा है जो पिछले तीन चार महीने से पढ़ रहे होंगे पिछले छह महीने से जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनको एक चीज रियलाइज हो रही होगी अभी मंथ ऑफ में जर्मनी से काफी फंड ले रहे हैं हम लोग उसके पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक बीच में कभी भी वर्ल्ड बैंक उन्हीं से पैसे आ रहे थे एडीबी से इतना पैसा ले लिया अब रुक गया है अभी देखिए पैसा कहां से आ रहा है जर्मन डेवलपमेंटल बैंक से तो वापस एक बार जर्मन डेवलपमेंटल बैंक आपके सामने है है और 140 मिलियन का फंड मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी इंप्लीमेंटेशन के लिए और दो मिलियन एक्स्ट्रा पैसे जो ग्रांट के नाम पे यहां पे आ रहे हैं ध्यान रखिएगा के सो ग्रांट वाला जो पैसा था, ये आपका अनुदान का पैसा होता है ये वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है पर जो 140 मिलियन है ये लोन का पैसा है ये वापस करना पड़ेगा तो यह कंसेप्ट आता है ठीक है सो दैट इज द न्यू थिंग इन फ्रंट ऑफ यू के तो मैंने पहली बाकी सारे लोन आपको डिस्क्राइब कर दिए थे सारे रिलेशंस डिस्क्राइब कर दिए थे अब एक नया 140 मिलियन यूरो चालीस पे ऐड कर दीजिएगा अभी यह जो uh, यहां पे दो कॉम्पोनेंट है इस मध्य प्रदेश के प्रोग्राम के लिए दो components है देखिए स्मार्ट मीटर्स एंड एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स ये लगभग सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करने के लिए जर्मनी से फंड ले रहा है के दो तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा पहला स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जाएंगे हर जगह पे रूरल एरिया अर्बन एरिया हर जगह पे स्मार्ट मीटर्स ताकि कोई छेड़खानी ना करे कोई इलेक्ट्रिसिटी की चोरी ना करे ये उनका फोकस रहेगा दूसरा एग्रीकल्चर की लाइन और नॉन एग्रीकल्चर की लाइन अलग की जाए नहीं तो विलेज लेवल पे आपने देखा होगा आपने अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा अब हमारे घर में भी खेती है तो हम भी बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं कि एग्रीकल्चर में जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी और घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का लाइन सेम होता है यहां पे लोड शेडिंग तो वहां पे लोड शेडिंग वहां पे लोड शेडिंग तो यहां पे लोड शेडिंग तो बड़ी तकलीफ होती है हमारे फार्मर्स को बड़ी तकलीफ होती है हमारे अन्नदाताओं को तो इसीलिए दोनों लाइन अलग की जाए कि दोनों लाइन अलग की जाए और एग्रीकल्चर का लाइन अलग से रहे तो बेटर रहेगा मेहनत या जो भी मेहनत हमारे फार्मर्स कर रहे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है एक क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको चलो कि इंडिया में एक योजना है जहां पे हम लोग हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हर घर तक बिजली का कनेक्शन प्रोवाइड करते उस योजना का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए क्या नाम है उस योजना का टैगलाइन है हर घर बिजली हर घर बिजली उसका टैगलाइन है योजना का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा यस नो 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 उजाला नहीं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल नहीं 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 कॉपी पेस्ट मत करो सौभाग्य आंसर इज सौभाग्य सौभाग्य इज द नेम ऑफ द स्कीम सौभाग्य हर घर बिजली के सो आंसर इज सौभाग्य ध्यान रखना उजाला उज्जवला नहीं है उजाला उन्नत ज्योति एलईडीज ये उजाला का फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडीज ठीक है उज्ज्वला गैस सिलेंडर के लिए है यार इतने बड़े बड़े पोस्टर मोदी साहब ने पेट्रोल पंप पे लगाए तो पेट्रोल की प्राइजेस को गाली मारने से पहले एक बार मोदी साहब का पोस्टर भी देख लिया कीजिए वहां पे उज्ज्वला स्कीम के बारे में लिखा होता है और गैस सिलेंडर रखे होते हैं मींस फोटो में ठीक है उजाला उन्नत ज्योतिबा एफोर्डेबल एलईडीज वो एलईडीज के लिए थी सौभाग्य नाम की स्कीम है हर घर बिजली नाम से वो स्कीम काम करती है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो सो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन यहां पे शिवराज सिंह चौहान साहब का गवर्नमेंट मामा जी का गवर्नमेंट है जो मध्य प्रदेश में काम करता है चलो आ... यस yes. अब आते हैं थोड़ा आर्मी की तरफ आते हैं आर्मी की न्यूज ना पढ़ो तो थोड़ा सा बेचैनी आजकल बड़ी ज्यादा होती है तो इंडियन आर्मी ने कंटेम्प्री मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है एसिग्मा नाम से एसिग्मा नाम से इन्होंने अपना खुद का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे आएगा कि इंडियन आर्मी का मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है असिग्मा असिग्मा का फुल फॉर्म है

पुणे के अंदर वो व्हीकल उन्हीं के हाथों से इंडियन आर्मी को डेडिकेट की गई के उस व्हीकल का नाम कोई बताएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमने एक या दो दिन पहले उस व्हीकल के ऊपर बात की थी पुणे में नरावने साहब ने जो इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है आर्मी इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है वहां पे ये व्हीकल आर्मी को डेडिकेट की गई उस व्हीकल का नाम बताइए डीआरडीओ भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये सब लोग उस व्हीकल के क्रिएट करने के लिए इन्वॉल्व थे नाम बता दीजिएगा आर्मी यस आंसर इज के आर्मी इंजीनियर रिकनसाइंस व्हीकल आर्मी इंजीनियर रिकनसाइंस व्हीकल आर सॉरी ए ई आर वी ठीक है सो यहां पे हमारे पास असिग्मा है असिग्मा ये इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन है ए आर वी ये आर्मी का इंजीनियरिंग रिकनसाइन्स व्हीकल है ये भी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था तो दोनों न्यूज आपके सामने है बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ठीक है सो so, ये इंटरनल नेटवर्क असिग्मा की हमने बात की चलो आ, इंडियन आर्मी को लेके कुछ न्यूज हमारे पास है एस फोर हमारे पास आ चुका है कि इंडियन एयरफोर्स का आ, इंडियन एयरफोर्स का एस फोर हंड्रेड आ गया कहां से लाया रशिया से लाया गया पंजाब में इसको डिप्लॉय कर दिया हमने एस फोर हंड्रेड सिस्टम नरावने साहब के पास एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आ, उनको एक चार्ज दिया गया है बिकॉज जो एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था बिपिन रावत साहब के साथ तो उसके बाद साहब के पास एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया इसके अलावा इंडियन आर्मी ने कैम्बेरियन पेट्रोल एक्सरसाइज जो यूके के अंदर हुई थी वहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया अब कुछ एक्सरसाइजेस जो होती है वहां पे कंपटीशन होती है तो कैम्बेरियन पेट्रोल एक्सरसाइज यूके ने ऑर्गेनाइज की थी उस एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया उस गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इंडियन आर्मी को गोल्ड मेडल मिला हुआ है उन एक्सरसाइज में यार एक्सरसाइज के मामले में इंडिया को बीट करना इस काइंड ऑफ डिफिकल्ट बड़ा अच्छा तरीके से इंडिया कोऑर्डिनेट करती है कोऑपरेट करती है और एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो आ, यस uh, एक और पॉइंट है uh, नेपाल के आर्मी चीफ है प्रभुराम शर्मा इनको इंडियन आर्मी की तरफ से जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का ऑनररी रैंक दिया गया ऑनररी के ये होता है बहुत बार किसी और कंट्री के आर्मी से भी हमारे आर्मी हेड्स को ऑनररी के रैंक मिलती है वैसे ही प्रभु राम शर्मा जो नेपाल आर्मी के चीफ है उनको रामनाथ कोविंद साहब ने ऑनररी आ, इंडियन आर्मी के जनरल का रैंक दे दिया तो ये रिलेशन बनाने के लिए काफी अच्छी चीज होती है इसी से रिलेशन बनते हैं नेपाल के पॉलिटिशियंस कितना भी हमारा गुस्सा करे अगर उनके आर्मी के चीफ को हमने खुश रखा तो भैया जिंदगी बागबान है हमारी नेबरिंग कंट्री भी हैप्पी हमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बस यही हमने यहाँ पे किया है इन्फेंट्री डे की बात करते हैं ट्वेंटी सेवन अक्टूबर को हम लोग हर साल मनाते हैं ठीक है चलो दैट्स इट सो ये हमारी न्यूज़ थी आर्मी को लेके उनके आ, एक मोबाइल मैसेजिंग अपली सॉरी मैसेजिंग एप्लीकेशन की हमने बात की असिग्मा उसका नाम था आगे बढ़ते मोदी साहब ने वापस एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2022 तक के वापस एक बार एक्सटेंड किया गया है इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह दुनिया की सबसे बड़ी सब लिटरली दुनिया की सबसे बड़ी फ्री में अनाज बांटने वाली स्कीम है दुनिया की सबसे बड़ी इससे बड़ी स्कीम पूरे दुनिया में कहीं नहीं है यह स्टेटमेंट मोदी साहब का नहीं है यह स्टेटमेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ठीक है तो इसीलिए हम यहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछ सकते दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है फाइव केजीज राइस या व्हीट दो में से कुछ एक प्रोवाइड किया जाएगा प्रति व्यक्ति प्रति माह पर पर्सन पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड करते हैं फाइव के जी आइदर राइस के और और याद रखना एंड नहीं या फिर वीट या गेहूं की बात करेंगे पहले जब कोविड 19 स्टार्ट हुआ था 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे तब से इस योजना को बनाया गया तब वन के जी चना भी मिलता था कि पर अभी चना नहीं दे रहे अभी केवल फाइव के जी राइस और वीट मिलता है पर पर्सन पर मंथ यहां पे प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम के अब थोड़ी इसकी जानकारी ले, ले लेते गवर्नमेंट ने 2022 तक एक्सटेंड किया बस इतना याद रखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इसकी सारी कॉस्ट कवर की जाएगी के 62 60, लाख 60000 करोड़ रुपीस देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है 260000 करोड़ रुपीस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर खर्च कर रही है 2020 से स्कीम लॉन्च की गई चौथा फेज चल रहा है फोर्थ फेज है इस स्कीम का और चारों फेज मिला के दो लाख साठ हजार करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस योजना पे खर्च कर रही है मजाक नहीं है लिटरली मजाक नहीं है दो लाख साठ हजार करोड़ ये केवल एक योजना पे खर्च हो रहे यार बहुत सारी कंट्रीज है उनका पूरा साल का बजट नहीं होता इतना जितना हम एक योजना पे खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान को देखना पड़ेगा उनका पूरा बजट इतना नहीं बनता जितना एक योजना पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो बहुत बड़ी योजना है एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट ठीक है सो कोविड-19 के टाइम पे मोदी साहब ने इसकी शुरुआत की थी पहले दो फेज देखिए अप्रैल टू जून और जुलाई टू नवंबर 2020 में लॉन्च किए गए थे यहां पे छठ पूजा तक इंप्लीमेंट किया गया था थर्ड फेज ये मई टू जून था 2021 के ये भी छठ पूजा के टाइम पे इसको एक्सटेंड किया था देन फेज 4 में अभी फेज 5 स्टार्ट होगा 2022 तक चलेगा तो फेज 1 फेज 2 2020, फेज थ्री फेज फोर 2021 और फेज फाइव 2022। अभी ये ओमिक्रॉन नाम का जो मुसीबत आई हुई है अगर ये ओमिक्रॉन जल्दी से कंट्रोल में आ गया तो शायद फेज फाइव लास्ट फेज रहेगा अगर ओमिक्रॉन ने और परेशानी कर दी तो शायद इसको भी 2022 के नवंबर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर नवंबर तक एक्सटेंड करना पड़ा तो फेज सिक्स भी आ सकता है उम्मीद करते हैं कि फेज सिक्स लाने की जरूरत ना पड़े इस योजना की बिकॉज जितने फेजेस लाने पड़ेंगे इसका मतलब है कि आप अभी भी इकोनॉमी को सही तरीके से लाइन पे नहीं लेके आए अभी भी गवर्नमेंट को फ्री में अनाज बांटने की जरूरत पड़ रही है तो उम्मीद करेंगे कि फेज फाइव लास्ट फेज रहे इस योजना का और टोटल टू लैख सिक्सटी थाउजेंड करोड़ हम लोग खर्च कर रहे इस पूरी योजना के लिए ठीक है देखिए एक और चीज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किसी स्टेट को अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी तो कोई स्टेट एक्स्ट्रा चीज दे सकता है ठीक है याद रखिएगा तो अगर यूपी में कोई कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है केरला के अंदर कोई कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है महाराष्ट्र में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो स्टेट अपने तरफ से ऐड कर सकता है गवर्नमेंट देखिए यहां पे लिखा है फाइव केजीज़ चावल और वीट सॉरी राइस और व्हीट में से कुछ एक प्रोवाइड करेगा बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें देनी है तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो आप अपने नॉलेज को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए ध्यान रखिएगा ठीक है तो स्टेट को यहां पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की पूरी परमिशन है वो कर सकते हैं क्लियर आ, यस ये बर्डन ही है ना मैं मना नहीं कर रहा देखिए इसलिए तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि फेज सिक्स नहीं आना चाहिए इसका फेज फाइव तक ही खत्म होना चाहिए बिकॉज जो ऐसी योजनाएं होती है ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनती है कि पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा लगता है बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है मार्केटिंग करने के लिए बड़ा अच्छा लगता है बट अगर आप इकोनॉमिकली सोचोगे अगर आप जेन्यून तरीके से सोचोगे पब्लिक के पास अगर जॉब है तो उनको फ्री में अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी वो खुद अपनी रोजी रोटी कमा सकते अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को फ्री में अनाज प्रोवाइड करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट दीजिए अगर एम्प्लॉयमेंट मिला तो ये फ्री की योजनाएं इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर ये समझने के लिए उतना अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है जब हम लोग ऐसी कभी बातें करते हैं कि भाई फ्री में अनाज देने से अच्छा जॉब दे दीजिए तो लोग फिर गाली मारना शुरू करते कि क्यों तुम्हें तकलीफ है क्या गरीबों से भैया गरीबों से किसी को तकलीफ नहीं है गरीब भी वही चाहता है फ्री में अनाज मत दो जॉब दे दो जॉब अगर मिला तो ये अनाज वाली स्कीम से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सही पॉइंट आपने मैंशन किया यस <clears> ई <throat> yes, की बात करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड अभी थोड़ी देर पहले ना आपको उजाला से बड़ा मोहब्बत हो गई थी ना उजाला से. तो उजाला स्कीम इंडिया में, Limited, 2009 में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है के पावर के का नाम बता दीजिए और इन्होंने वो उजाला वाली स्कीम लाई थी अब इन्होंने एक और टारगेट दिया है, 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स अक्रॉस द नेशन बाय 2024 तो इन्होंने खुद एक टारगेट दिया है कि 2024 तक 2024 तक इंडिया में 1.6 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे ये इनका अनाउंसमेंट है टारगेट उन्होंने रिफ्रेम किया सो so बाय 2024 1.6 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स है ठीक है

टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने एमएससीमी मिनिस्ट्री के साथ टाइप किए नारायण राणे हमारे एमएससीमी मिनिस्टर है टाइप क्यों किए अबे एलईडीज़ मैन्युफैक्चर जो छोटी छोटी कंपनियां करती है एलईडी के बल्ब मैन्युफैक्चर जो छोटी बड़ी कंपनियां करती है तो इसी के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री एंड ईएसएल दोनों मिलके इस योजना को इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम एंड 1.6 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है जिसको 2024 तक पूरा करना है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम याद रखना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए 2015 में मोदी साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया था स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम अनाउंसमेंट 2015 में मोदी साहब ने किया था और उसी वक्त उजाला स्कीम की भी बात की थी उन्नत ज्योति बाय एलईडीज उसकी भी बात उसी वक्त में की थी वो वो स्कीम इंप्लीमेंट हो गई वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो गया जहां पे रेट पे एलईडी बल्ब दिए जा रहे थे कि आप अपने घरों पे लगाइए सस्ते दामों में के अब एस एल एन अभी तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो दो हजार चौबीस तक वन पॉइंट सिक्स स्ट्रीट लाइट एलईडी बल्ब इंप्लीमेंट किए जाएंगे यह अनाउंसमेंट किया गया योजना देखिए दो हजार पंद्रह की 24 तक पूरी करनी है और एमएससी में मिनिस्ट्री यहां पे ईएसएल को मदद करेगा ठीक है नाउ आंध्र प्रदेश ने पहले से ही ऐसा एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया हुआ है आंध्र प्रदेश ने वाइजैग में पहले से ऐसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया 2014 में 2015 में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर आंध्र प्रदेश एक स्टेप पहले से आगे था एंड दे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड टू करोड़ एल ईडी स्ट्रीट लाइट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड और ई एस एल ने अभी तक पॉइंट टू करोड़ एलईडी इंडिया में इंप्लीमेंट किए एंड आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दैट इन्होंने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट की योजना आने से पहले ही दे स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग तो उसी से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ने पूरे देश के लिए योजना लॉन्च की और ई एस एल उसका करता धरता है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है <coughs> क्लियर है, यस yes. चलो अब आते भैया ओडिशा के सीएम की बात करेंगे इनसे आ, इनसे मुलाकात ना हो तो करंट अफेयर्स पूरा नहीं हो जैसे नीति आयोग के और नवीन पटनायक ये दो ऐसे हैं कि जिनसे मुलाकात ना हो करंट अफेयर्स में तो फिर करंट अफेयर्स पूरा भी नहीं होता के पहले एडीबी के साथ भी मुलाकात करना कंपलसरी था के तो चलो नवीन पटनायक साहब की बात करते ये न्यूज हमने लास्ट टाइम देखी है न्यूज के ऊपर लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जब नवीन पटनायक साहब ने अनाउंसमेंट किया था तब हमने इस न्यूज को कवर किया अब ये जो अनाउंसमेंट है है इसको पूरा कर कर दिया गया न्यूज पेपर हॉकर्स को दिए गए ना हमारे घरों तक जो न्यूज लेके आते हैं न्यूज पेपर हॉकर्स तो न्यूज पेपर हॉकर्स को छह हजार रुपए का असिस्टेंस यहाँ पे आ, आ, ओडिशा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है काफी तारीफ भी हुई थी बिकॉज न्यूज पेपर

जो हॉकर है घरों में न्यूजपेपर देते देते बहुत बार उनके सुबह सुबह एक्सीडेंट्स हो जाते के, आ, तो उनके लिए दो लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ओडिशा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सात हजार तीन सौ ऐसे हॉकर्स को रजिस्टर किया गया है विच इज अ वेरी गुड एब्सोल्युटली गुड नो डाउट अबाउट दैट और छह हजार इनके अकाउंट में प्रोवाइड किए जाएंगे अब देखिए इनके लिए ना वर्कशेड भी बनाए जाएंगे तो जैसे आपने देखा होगा हॉकर जो होते हैं बड़े चौराहे है पे आपके सिटी में जो भी बड़ा चौराहा है वहां पे सारे बैठ जाते हैं न्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए तो इनके लिए अच्छे खासे शेड्स बनाने की भी बात भी ओडिशा गवर्नमेंट ने की है तो ओडिशा गवर्नमेंट का जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है दे सेड कि हम इनके लिए शेड्स बनाएंगे जहां से ये न्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से ओडिशा के अंदर हो सके तो अच्छा पॉलिसी है तारीफ करनी पड़ेगी और पहला स्टेट है ऐसी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला तो क्वेश्चन एक महाराष्ट्र का न्यूज है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक नया बिल पास किया शक्ति क्रिमिनल लॉज शक्ति क्रिमिनल लॉज ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सिंपल आएगा शक्ति क्रिमिनल लॉज ये बिल किसने पास किया देखिए महिलाओं के अगेंस्ट या बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है या फिर कोई वॉयलेंट एक्टिविटी करती है करते हैं तो उनको डेथ पेनाल्टी पनिशमेंट दी जाएगी तो रेप क्राइम होते हैं इवटीजिंग होता है छोटे बच्चों को वॉयेंटली मारा जाता है महिलाओं को परेशान किया जाएगा डोमेस्टिक वॉयलेंस होगा अगर महाराष्ट्र के अंदर सा कोई भी वायलेंस होता है तो उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्ति क्रिमिनल लॉ पास किया हुआ है अब एग्जाम के एंगल में देखते हैं बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए के के कर्नाटका की बात की थी कि देखा मोबिदा एंटी कन्वर्जन लॉ ही महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए शक्ति क्रिमिनल लॉ ये महाराष्ट्र की असेंबली रिसेंटली लेके आई हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा ठीक है यस गाइस इज़ केस दैट्स इट चलो पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं अब पंजाब के पॉलिटिकल ड्रामास मेरे ख्याल से खत्म हो गए ऐसा उम्मीद करते कि भाई पंजाब के सारे पॉलिटिकल ड्रामास खत्म हो गए होंगे अब पंजाब के अंदर कुछ अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई है गीता अध्ययन एंड सनातनी ग्रंथ इंस्टीट्यूट

पटियाला ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर ध्यान रखिएगा जिनका नाम है गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला में हेडक्वार्टर है सेम वे सनातनी ग्रंथ इंस्टीट्यूट भी यहीं पे क्रिएट किया गया बिकॉज यूपी के अंदर भी इलेक्शन है और ऐसी अनाउंसमेंट यूपी में काफी ज्यादा हो सकती है यह बहुत बार गलती एग्जाम में हो जाएगी पर यह अनाउंसमेंट पंजाब की है ध्यान रखिएगा यार पंजाब के गवर्नर साहब का नाम कोई बताएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में पंजाब के गवर्नर साहब का नाम बता दीजिए हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब के स्टानी साहब सीएम है तो पंजाब के गवर्नर साहब का नाम जल्दी से बता दीजिए कि गवर्नर कौन है पंजाब के अंदर यस yes, पुरोहित साहब है यस एब्सोल्युटली पुरोहित 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 साहब साहब के पास है कि फिलहाल पंजाब का गवर्नर का पोस्ट हैंडल कर रहे हैं उनको तमिलनाडु से ट्रांसफर किया गया कि जाइए और पंजाब को हैंडल कीजिए सो राइट नाउ इज इन पंजाब ठीक है चलो एक और न्यूज है पंजाब स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन फॉर अनिजर्व क्लासेस ये बहुत अच्छा न्यूज है ऑब्वियसली इलेक्शन मोटिवेटेड न्यूज है पर अच्छा न्यूज है कि गुजरात गवर्नमेंट ने ना कुछ दिनों पहले एक कंसेप्ट लॉन्च किया था कि जनरल कैटेगरी जो अनिजर्व होता है ना रिजर्वेशन में नहीं आते ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते पर कुछ लोग हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलते उनके लिए अलग से कमीशन गुजरात ने बनाया था वैसा ही एक कमीशन अभी पंजाब ने क्रिएट करने की बात की है कि सेपरेट कमीशन क्रिएट किया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व क्लासेस के लिए तो इसकी भी काफी तारीफ हो रही है काफी लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया सो ये कंसेप्ट है तो सेम इसके पहले गुजरात इंप्लीमेंट कर चुकी है तो उसी गुजरात पैटर्न को फॉलो यहां पे पंजाब कर रहा है और यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए क्लासेस के लिए स्पेशल कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन उसके तरफ ध्यान देगा क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक okay? so, है थीके? चलो सो uh, so, ये दो न्यूज हमने पंजाब की कवर की एक न्यूज महाराष्ट्र वाली थी और एक न्यूज हमने कवर की है फ्रॉम

एक स्टॉक एक्सचेंज का इंस्टीट्यूट है की बात करते हैं जैसे हमारा बी एस सी एन एस सी वैसे उनका नेक है तो मनी ग्राम आपने नाम सुना होगा फॉरेन से मनी ट्रांसफर करने के लिए काफी मदद होती है मनी के रेमिटेंसेस के लिए बड़ी मदद होती है अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैसे ट्रांसफर करने होंगे तो मनीग्राम की बहुत बार मदद ली जाती है तो पेटीएम पेमेंट बैंक और मनीग्राम इनका टाइप हुआ है ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिंपल सा न्यूज है वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बस ध्यान रखिएगा सो पेटीएम पेमेंट बैंक ठीक है क्लियर है ये कमीशन देखिए जब भी कमीशन बनता है कमीशन क्या करता है Commission की जिम्मेदारी होती है कि उस कैटेगरी के लिए चेक करने की जिम्मेदारी कमीशन की होती है जिसके लिए कमीशन बनाया अगर उनको कंप्लेन करनी होगी किसी की तो कमीशन के पास कंप्लेन कर सकता है तो बेसिकली वो आपका करता धरता बन जाता है वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एक मेन एजेंसी बन जाती है और इसीलिए हम लोग कमीशन बनाते हैं ठीक है ठीके? तो कमीशन का पर्पज ये होता है ध्यान रखिएगा चलो यस पेपाल पेपाल इज नॉट फ्रॉम द सिंगापुर माई डियर फ्रेंड पेपाल इज फ्रॉम द यूएस ओनली ठीक है वो भी यूएस का ही है सो uh, यस so yes, वो भी उसी एंगल में काम करता है ध्यान रखिएगा ठीक है uh, Yes. चलो अब देखिए मनीग्राम और पेमेंट पेटीएम का जो वॉलेट है उसके थ्रू ये ट्रांसफर किया जाएगा बाकी तो यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है पेटीएम पेमेंट बैंक को रिसेंटली स्केड्यूल लिस्ट में ऐड किया गया पेमेंट बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हमारे पास है एयरटेल पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक है जियो पेमेंट बैंक हमारे पास है तो पेमेंट बैंक से जब हम लोग बात करते तो पेमेंट बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते पेमेंट बैंक्स किसी को लोन नहीं दे सकते नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशन पे हमने पेमेंट, बैंक्स थी, बैंक्स लोन दे सकती है, पर पेमेंट बैंक दो लाख तक का कर सकते हैं okay. की जब बात करते तो पेटीएम विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के हेड पेटीएम okay, okay, के चेयरमैन है और पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ सतीश कुमार गुप्ता है याद रखना पेटीएम

प्लीज गड़बड़ मत करना नहीं तो यहां का नाम वहां और वहां का नाम यहां हो जाएगा तो मार्क्स भी पॉजिटिव से निगेटिव बन जाएंगे गलती मत कीजिएगा ठीक है सो यस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम आगे बढ़ते एच एच बी सी हॉन्गकॉन्ग शांईाई बैंक कॉरपोरेशन ये उनका पुराना फुल फॉर्म है आजकल ये फुल फॉर्म वो यूज नहीं करते पर एच एस बी सी हांगकॉन्ग शांघाई बैंक कॉरपोरेशन दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इसको हम लोग मानते हैं लंडन में इसका हेडक्वार्टर है वैसे बैंक बनाई गई थी हांगकॉन्ग के अंदर पर अभी इसका हेडक्वार्टर लंडन में एटीन सिक्सटी फाइव में इस बैंक को बनाया गया था अब हांगकॉन्ग शांघाई बैंक कॉरपोरेशन ने एल एंड टी म्यूचुअल फंड को टेक ओवर कर लिया एल एन टी म्यूचुअल फंड इंडिया का लिया तो भाई जूते पड़ेंगे L &T बहुत बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन में काम करती है सोफ्टवेयर में काम करती है उसी एल एन टी का एक छोटा सा कंपनी था म्यूचुअल फंड वाला वो म्यूचुअल फंड वाला कंपनी अभी एच एस बी सी ने टेक कर लिया है। 425 मिलियन में तो पूरा एलएनटी टेकओवर नहीं किया है केवल एलएनटी म्यूचुअल फंड को टेकओवर किया है एचएसबीसी ने ठीक है एचएसबीसी हांगकांग शांगाई बैंक कॉर्पोरेशन 1865 में बनाया गया हांगकांग के अंदर पर अभी इसका हेडक्वार्टर है लंदन में है एचएसबीसी इंडिया के जो हेड है उनका नाम है हितेंद्र दवे हितेंद्र दवे ये फिलहाल एचएसबीसी इंडिया के हेड है

ईडन गार्डन वाला वो टेस्ट याद होगा जहां पे वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड ने बड़ी बेहतरीन पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उसी पारी में उसी मैच में हरभजन साहब ने हैट्रिक ली थी रिकी पॉन्टिंग बिल सॉरी गिलक्रिस जैसे बड़े प्लेयर्स को आउट करते हुए सो ही इज द फर्स्ट इंडियन बॉलर जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली थी और फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया के आ, Yes, guys, CSK या मुंबई इंडियन जैसे टीम के लिए भी ये खेल चुके हैं आई पी एल में कुम्बले कपिल देव और आर अश्विन के बाद फोर्थ हाइएस्ट विकेट टेकर इंडिया के uh, ये हमारे हरभजन साहब थे कि अभी रिसेंटली अश्विन साहब ने इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो फोर्थ हाइएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट में चार सौ सत्रह विकेट इन्होंने ली हुई है सो so, काफी बेहतरीन करियर रहा नो डाउट अबाउट दैट के एंड फाइनली कर दिया है, so, आ, इनको बेस्ट भी देंगे हम लोग कि भाई आ, बड़े बेहतरीन तरीके से अपने आगे वाले करियर कोमेंट्री कमें, बड़ी अच्छी करते आपने देखा होगा के। चलो इसके अलावा बांग्लादेश के एक बैट्समैन है मोहम्मदुल्ला उल्ला रियाद इनका भी रिटायरमेंट अनाउंस हुआ एबी ने भी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया हुआ है पाकिस्तान के ये कुछ प्लेयर्स है जिनके रिटायरमेंट की न्यूज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर ऑब्वियसली हरभजन सिंह साहब के नाम के ऊपर तो जरूर आएगा नो डाउट अबाउट दैट ठीक है चलो आगे बढ़ते ऑस्ट्रेलियन ओपन ध्यान दीजिए हम टेनिस की जब बात करते ग्रैंड स्लैम्स की जब बात करते तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के आ, फ्रेंच ओपन विंबलडन यूएस ओपन ये हमारे चार ग्रैंड स्लैम्स है ऑस्ट्रेलियन ओपन से ईयर की शुरुआत होती है तो 2022 के टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होगी एंडी मरी एंडी मरी नाम के एक बड़े बेहतरीन से प्लेयर हुआ करते थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था अब वो कम बैक कर रहे एंडी मरी बिलोंग्स टू यूके यूके से बिलोंग करते हैं रिटायरमेंट रिटायरमेंट ऑल ऑफ अनाउंस कर दी थी अभी वापस वो री एंटर कर रहे वापस वो मैचेस खेलने के लिए आ रहे तो उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एंडी मरी वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेयर वर्ल्ड नंबर वन भी रह चुके थे पर अभी रिटायरमेंट ले लिया था अब रिटायरमेंट से वापसी कर रहे और ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपने करियर को वापस एक बार रिस्टार्ट करेंगे ठीक है दो हजार उन्नीस में उन्होंने लास्ट मैच खेली हुई थी अभी फिलहाल वन थर्टी फोर्थ नंबर हैं। आते आ, दो बार विंबलडन जीत चुके एक बार यूएस ओपन जीत चुके एंडी मरी एंड एंडी मरी बिलोंग्स टू यूके यूके से बिलोंग करते हैं बड़े बेहतरीन प्लेयर है नो डाउट अबाउट दैट के सो ही इज गोइंग टू रिस्टार्ट हिज करियर सो याद रखेगा देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन ये मिड में होता है फ्रेंच ओपन होगा उसके बाद आ, आ, जून पे राफेल नडाल पास होती है, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता था सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच फिलहाल वर्ल्ड नंबर वन चल रहे सो इन्होंने लास्ट टाइम आस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था आपको याद होगा और महिलाओं में सूफिया कैनिन इन्होंने

के के फीफा आ, यस, के तरफ तो से कि फीफा यस ये वर्ल्ड लेवल का इंडिया फुटबॉल मेन है बड़ी अच्छी बात है इन अठारह के नाम हमारे पास है अठारह के नाम हम देख लेंगे पर नामों के ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा जूरी स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है एक पॉइंट यहां पे याद रखना फोर में फीफा बनाया गया इंडिया की रैंक फीफा में इंडिया की रैंक 104 है 106 नहीं है 104 है अभी इंडिया की रैंक थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है हमने रिसेंटली साउथ एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था नेपाल को हरा के जो मॉलदीव में टूर्नामेंट हुई थी हमारी फिलहाल की रैंक एक है याद रखिएगा और स्विट्जरलैंड जूरिच में हेडक्वार्टर है फीफा में सबसे टॉप में कौन सी कंट्री आती है फुटबॉल में रैंकिंग में सबसे टॉप में कौन सी कंट्री आती है एक बार बता दीजिएगा यस गाइस यस yes, सबसे टॉप में कौन आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए टॉप में बेल्जियम यस yes, टॉप में बेल्जियम आता है और इंडिया यस yes, 104 नंबर पे अब देखिए यहाँ पे सारे रेफरीज के नाम लिखे हुए हैं के जो चौदह मेल एंड फोर फीमेल सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए कोई असिस्टेंट रेफरी है के कोई मेन रेफरी के नाम पे अब इन सबके नाम याद मत करते बैठिए नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन नाम हमने डाल दिए आपके पास रहे और कतार में फीफा वर्ल्ड कप है ये भी एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा चलो। अब आते हैं हमारे न्यूज न्यूज़पेपर के न्यूज के तरफ अब कुछ सो महाराष्ट्र यूपी हरियाणा गुजरात इन स्टेट्स का अनाउंसमेंट है प्रदेश ने भी बोल दिया है कि वो भी नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट करने वाले है। तो भाई थोड़ी सी आप भी थोड़ा सा संभाल के रहिएगा क्योंकि अभी थर्टी आएगा के अलग ही खुशी होती है हमारी साल खत्म होने की थर्टी फर्स्ट की पार्टी वार्टी एंजॉय करने की थोड़ा संभाल के रहिए बिकॉज देखिए अगर आ, केसेस बढ़ गई अगर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई तो सबसे बड़ा इंपैक्ट आप पे हम पे सब पे होता है एग्जाम्स रुक जाती है एग्जाम्स को इनको पोस्टपोन करने का बहाना मिल जाता है है ना बहाना बहाना ही कहेंगे हम लोग यार एग्जाम्स लेते ही नहीं है पोस्टपोन करते रहते हैं तो इनको बहाना नहीं देंगे हमें भी थोड़ा सोच समझ के रहना पड़ेगा बिकॉज अब एक वापस एक बार नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हुआ इसको लेके एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट केवल आपके नॉलेज के लिए पे बता दिया कि भाई कुछ स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू अनाउंस कर दिए है ठीक है चलो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये फिलहाल पीसीए के लिस्ट में चल रहा है प्रोम करेक्टिव एक्शन अब जिनका बैंकिंग का बैकग्राउंड है जो बैंकिंग की एग्जाम या यूपीएससी आरबीआई नाबार्ड सेबी का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जब भी कोई बैंक सही तरीके से वर्क नहीं करती जब भी कोई बैंक फॉल्टी एंगल में वर्क करती है तो उसकी एक्शन को ठीक करने के लिए आरबीआई उसके ऊपर पीसीए लगाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई बेस्ड बैंक है 1911 में बनाया गया था इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यह फिलहाल पीसीए में चल रहा है कि लास्ट टाइम इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाला गया था पीसीए भी दो तीन महीने में आ, आ, बाहर सॉरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी दो तीन महीने में पीसीए से बाहर निकल जाएगा ऐसा आरबीआई कहती है ऐसा आरबीआई का कहना है अब ध्यान दीजिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नेट एनपीए के लेवरेज रेशो ये जो ये रिटर्न ऑन एसेट जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया अभी इसके भरोसे हम पीसीए कैलकुलेट नहीं करते ध्यान दीजिएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कौन सी बैंकों के अगेंस्ट लगेगा जिन बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मीन लोन देते वक्त कुछ पैसा संभाल के रखना पड़ता है जिन बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कम है लेस है उनके उनके ऊपर बनाया जाएगा दूसरा जिनका नेट एनपीए काफी ज्यादा है जिनका नेट एनपीए बढ़ चुका है उनके अगेंस्ट भी पीसीए लगा सकते हैं एंड लेवरेज पहले रिटर्न ऑन एसेट भी कैलकुलेट करते थे पर अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया थर्ड पॉइंट है लेवरेज रेशो लेवरेज मतलब है कि बैंकों के ऊपर भी कुछ लोन होते हैं बैंकों के ऊपर भी कुछ होती है कितना लोन उनके ऊपर है वो भी चेक किया जाएगा तो उसके भरोसे पीसीए लगाया जाता है ट्रिगर पॉइंट का मतलब है कि इन तीनों के भरोसे लगाया जाएगा रिटर्न एसेट ये पहले हुआ करता था अभी नहीं है अभी ये कंसेप्ट नहीं है अभी रिसेंटली पंद्रह बीस दिन पहले आरबीआई ने रूल्स में चेंजेस किए तो प्लीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि सो uh, so, यहां पे क्वेश्चन आएंगे के, एक और चीज सो सपोज किसी बैंक के ऊपर पीसीए चल रहा होगा तो क्या प्रॉब्लम होती है किसी बैंक के अगर पीसीए चल रहा होगा तो वो बैंक लोन नहीं दे पाती या लोन दे सकती है पर लिमिटेड अमाउंट में किसी बैंक के अगेंस्ट अगर पीसीए चल रहा है तो उनको एक्सपांशन करने के लिए रोक लगाई जाती है उनको नए हायरिंग करने के लिए रोक लगाई जाती है तो आरबीआई यही चाहता है कि सारी बैंक पीसीए से बाहर निकल जाए यही उनकी उम्मीद है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत जल्दी पीसीए से बाहर निकल जाएगा ये यह अनाउंसमेंट यहां पे आरबीआई देखिए कौन सी बैंक पीसीए में और कौन सी बैंक पीसीए में नहीं है ये याद करने से अच्छा एग्जाम में क्या पूछते एग्जाम में एक दो और तीन ये पॉइंट पूछते हैं देखिए दो तरीके से पढ़ने का तरीका होता है दो तरीके से कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते सिंपल चीज पढ़ते कौन 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 सी 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 पीसीएम है उनके नाम याद कर लेंगे कौन सी बाहर निकली कौन सी नहीं निकली उसके नाम याद करेंगे एग्जामिनर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको इंटरेस्ट है वॉट इज पीसीए उसको इंटरेस्ट है कौन से ट्रिगर पॉइंट के तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो हमें अच्छा लगता है वो एग्जामिनर को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता उसे कुछ और चाहिए उसे ऑफिसर चाहिए उसे नॉलेजेबल पर्सन चाहिए टाइम पास करने वाले लोग नहीं चाहिए तो आप भी सही से पढ़ाई कीजिए ठीक है नाउ गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी टेलकोस के लिए टेलकोस का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के इंटरनेट और कॉल डेटा जो होता है ना के उसको दो साल तक संभाल के रखने की बात की है तो जो भी कॉल डेटा है जो भी इंटरनेट का डेटा है जो टेलीकॉम कंपनीज के पास होता है उसको मिनिमम दो साल तक संभाल के रखना है गवर्नमेंट को सपोज किसी का इंक्वायरी करना है किसी का डेटा निकालना है किसी की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सारे टेलीकोम्यनिकेशन कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोल दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अश्विनी वैष्णो साहब उनके डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि दो साल तक डेटा संभाल के रखिए होता है ना कभी कभी कुछ क्राइम होता है कुछ क्राइम को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है तो इसलिए इंटरनेट और कॉल डेटा दो साल तक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को संभाल के रखने की हिदायत के यहां पे हमारे अश्विनी वैष्णो साहब के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने दी हुई है ध्यान रखेगा के सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यस अब ये दो सिंपल न्यूज है ये के केवल बैंकिंग के लिए कैनरा बैंक ने दो करोड़ के बॉन्ड्स बेचे हुए एंड एस बी आई कार्ड ने 650 सौ पचास करोड़ बॉन्ड से इशू किए हुए ये क्वेश्चन बहुत बार बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं कैनरा बैंक नाइनटीन जीरो सिक्स में बनाई गई मैंगलुरु में उनका हेडक्वार्टर है दो हजार पांच सौ करोड़ बॉन्ड से बॉन्ड का मतलब क्या है इन्होंने मार्केट से लोन लिया हुआ है Okay, तो बॉन्ड जब आप बेचते हो तो बेसिकली आप लोन लेते हो तो 7.09 पे बैंक ने 2,500 करोड़ का लोन लिया हुआ है थ्रू लिया हुआ है 5.82 पॉइंट okay, जिनकी बैंकिंग एग्जाम है ऑफिसर लेवल की एग्जाम है बस वही लोग ध्यान दीजिए बाकी लोगों ने इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भी चल जाएगा ठीक है विल बी केस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सारी की सारी आएगी सारी की सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आएगी जियो एयरटेल बी एस एन एल सबकी बात की जाएगी केवल बीएसएनएल के लिए नहीं सारे कंपनीज की बात की जाएगी ठीक है चलो सो गाइज अभी आते हैं एमसीक्यूज की तरफ अभी एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे न्यूज पेपर में जो आर्टिकल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे उन आर्टिकल्स की मैंने आपको जानकारी दे दी के अभी बात करते हैं एमसीक्यूज की तरफ ठीक है चलो सो आगे बढ़े पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पर उसके पहले क्वेश्चंस में जाने से पहले टेस्ट बुक पास में जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया जल्दी से एनरोल कर लो जल्दी से एनरोल कर लो एग्जाम में बहुत मदद मिलती है मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए 450 से ज्यादा एग्जाम्स की मॉक टेस्ट यहां पे अवेलेबल है तो बिल्कुल जल्दी जाइए पर ये कोड यूज करना मत भूलिएगा आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा बाई एडिंग थर्टी थ्री यूनिकॉर्स इन अगल इंडियाप्लेस विच कंट्री टू बिकम द थर्ड इन द लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब जिस कंपनी का वैल्युएशन या जिस स्टार्टअप कंपनी का वैल्युएशन एक बिलियन डॉलर से ज्यादा है उसको हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं यूएस सबसे टॉप में आती है चाइना सेकेंड नंबर पर आती है मैग्जिम यूनिकॉर्न कंपनीज में इंडिया थर्ड नंबर पे आ चुका है यूके को डिस्प्लेस करके तो यूके को हटा के अभी इंडिया थर्ड नंबर पे बड़ी अच्छी बात है यूनिकॉर्न में काम कर रही है यूएसए uh, सबसे टॉप में चाइना सेकंड पे आता है और थर्ड नंबर पे इंडिया आती है ध्यान रखना और हमने यूके को डिस्प्लेस कर दिया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर हैज लॉन्च सेवन न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नॉर्थ तो राजू चंद्रशेखर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर अश्विनी वैष्णव साहब के अंदर काम करते सात नॉर्ड का इनोग्रेशन यूपी के अंदर किया हुआ है तो यूपी में

डेवलपमेंटल बैंक दे साइन दिस एग्रीमेंट आंसर इज के एफ डब्ल्यू के एफ डब्ल्यू की बात करेंगे uh, हमने बात की थी सूरत मेट्रो की के सो so, थोड़ी देर पहले वो बात हुई मध्य प्रदेश को भी इन्होंने लोन दिया हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ठीक है चलो आगे बढ़ते नासा इसरो का जो निसार नाम का प्रोजेक्ट है के सॉरी uh, 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 <coughs> निसार प्रोजेक्ट रडार अपार्चर रडार की बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में रिसेंटली कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी है मदद करने वाली है नासा इसरो का निसार नाम का प्रोजेक्ट है उस अपार्चर रडार प्रोजेक्ट में कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जो मदद कर रही है यस आंसर इज केरला यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज यहाँ पे मदद कर रहे निसार प्रोजेक्ट के लिए जो रडार सिस्टम के लिए वर्क करेगा तो यस दैट इज ए क्वेश्चन हुडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड साइम हु ब्रांड एम्बेसडर इन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी हुडाई मोटर्स ने किस आ, प्लेयर को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है के? ये वो प्लेयर है जिन्होंने पहली बार इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्फ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया पहली महिला जिन्होंने इंडिया को गोल्फ में रिप्रेजेंट किया ये वो है के, आ, अभी टोक्यो ओलंपिक्स में और ये एकलौती महिला है पूरे वर्ल्ड में जो हर बड़े टूर्नामेंट में क्वालिफाई हुई है हर बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है पूरे वर्ल्ड में एकलौती महिला गोल्फ प्लेयर है और नाम है अदिति अशोक तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि इतनी लाइमलाइट में नहीं रहती पर Hyundai ने उनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया तो बड़ा अचीवमेंट है बड़ी अच्छी बात है कि क्वेश्चंस यहां पे भी आपके सामने आएंगे यस गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे अ Merry Christmas once again to everyone के अ यस त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए पर संभल के सोच समझ के और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना गाइस कल 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 सुबह नौ बजे हमारा एक सेशन रहेगा जहां पे लास्ट सिक्स मंथ्स के बैंकिंग करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं तो कल सुबह नौ बजे सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा बैंकिंग करंट अफेयर्स लास्ट सिक्स मंथ्स अभी बैंकिंग एग्जाम आने वाली है उसके एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे सुबह नौ बजे मुलाकात करेंगे कल ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए